expect you will be all right and will be where your home is. Today's our lecture number 3, and we are going to finish our lesson number 19, whatever it is, the third part of this lesson. Now I am going to resume the remaining part of lesson number 19. Little twist. The evening came, Sham ho gayi. The master served out the gruel. Malik ne daliya taqseem kiya. The gruel disappeared. Daliya khatam ho gaya. The boys whispered to each other. Ladkon ne ek dusre ke saath sarkoshiyan di. Kaam mein कुछ बोला हल्का सा दूसरे दूसरे की एंड पुश फ्लेवर अ लिटल, और उन्होंने फ्लेवर को थोड़ा सा धक्का दिया. अ लिटल मैंने थोड़ा सा और पुश मैंने धक्का दिया. फ्लेवर वाज फाइटिंग, फ्लेवर खौफजदा था, बट वेरी हंग्री, लेकिन बहुत भूखा था. ही गॉट अप फ्रॉम द टेबल एंड बेसन एंड स्पून इन हिज हैंड. वो अपने हाथ में चम्मच और बर्तन लेकर मेज से उठा. वेंट टुवर्ड्स द मास्टर, मालिक की तरफ गया. एंड सेड, और कहा, ट्रेम्बलिंगली कांपते हुए, और कांपते हुए कहा, प्लीज सर आई वांट सम मोर. जनाब मेहरबानी करके मुझे थोड़ा और दे, कुछ और दे. द मास्टर वाज फैट हेल्दी मैन. मालिक एक मोटा और सेहतमंद इंसान था. बट ही टर्न्ड वेरी पेल, लेकिन वो बहुत दर्द पड़ गया, बहुत गीला पड़ गया. जब उसने ये बात सुनी मजीद खाना मांगने की, तो उसका जो रंग था वो दर्द हो गया, गीला हो गया. ही कुड नॉट बिलीव ही हैड हर्ड राइटली. जो कुछ उसने सुना था उस पर उसको ठीक तरह से यकीन ना आ सका. उसे यकीन ना आ सका कि जो उसने सुना था उदेविटिस. What he said after pause in faint voice. हल्की मध्यम आवाज में वक्फा लेने के बाद उसने कहा, क्या? Please sir, I want some more. जनाब मेहरबानी करके मुझे कुछ और खाना दे, थोड़ा और खाना दे. The master struck liver a blow on the head with his serving spoon. मालिक ने दलिया बांटने वाले चम्मच के साथ ओलिवर के सर पर जरब लगाई. एंड कॉट द बॉय इन हिज आर्म, और लड़के को अपने बाजू में पकड़ा. एंड शॉटेड फॉर द बीडर मिस्टर बंबल, और एक अफसर बंबल साहब को जोर से पुकारा, बुलाया. द बीडर वाज सॉरी द बोर्ड were sitting solemnly discussing their business when Mr. Bumble came into the room. जब बंबल साहब भागकर कमरे में आए, तो बोर्ड के अराकीन संदिग्धी से बैठे हुए अपने कारोबार, अपने काम के बारे में बातचीत कर रहे थे. In great excitement, he cried to the gentleman in the high chair, Mr. Limpkins. एक बहुत ही परजोश अंदाज में वो एक ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए मौजूद शख्स लिंकन साहब से जोर से बोलते हुए चलाते हुए मुखातब हुआ. I beg your pardon, sir. जनाब मैं माफी चाहता हूँ. Liver twist has asked for more. Liver twist ने मजीद खाना मांगा है. Everyone was shocked. हर किसी को सदमा हुआ, उनको परेशानी हुई, दुख हुआ. On every face was a look of astonishment. और हर चेहरा जो था उस पर हैरानी की झलक थी.
फॉर मोर सेड मिस्टर लिंकन्स लिंकन्स ने कहा मजीद खाना मांगा है बी कॉम हम्बल हम्बल खामोश हो जाओ एंड आंसर मी प्लेनली और मुझे साफ साफ जवाब दो प्लेनली का मतलब ठीक ठीक साफ तौर पर ठीक तौर पर साफ तौर पर उसने कहा कि मुझे ठीक तौर पर जवाब दो डू आई अंडरस्टैंड दैट ही आस्क्ड फॉर मोर आफ्टर ही हैड ईटन द सपर अराउंड ईच बॉय क्या मैं समझूं कि हर एक लड़की को शाम का खाना देने के बाद उसने मजीद खाना मांगा है He did sir, replied Bumble. Bumble ने जवाब दिया जी सर उसने खाना खाने के बाद शाम का खाना खाने के बाद मजीद खाना मांगा है The boy will be hand sent the gentleman who had called Oliver's a fool. वो आदमी जिसने ओलिवर ट्विस्ट को बेवकूफ कहा था उसने कहा कि इस लड़के को खांसी होगी Nobody disagreed with his opinion. किसी ने उसकी बात से उसके राय से इख्तलाफ नहीं किया A lively discussion took place. एक पुरजोश बहस हुई Oliver was ordered to be shut in a room alone. Oliver को एक कमरे में तन्हा अकेला बंद करने का हुक्म दिया गया Next morning, a notice was pasted on the outside of the gate. अगली सुबह को दरवाजे के बाहर एक इकरारनामा जिस्मा कर दिया गया Offering a reward of 5 points to anybody, किसी भी शख्स के लिए 5 पॉइंट के इनाम की पेशकश करते हुए Who would take Oliver Twist as an apprentice? जो कोई भी Oliver Twist को बतौर एक शागिर्द के एक शागिर्द की हैसियत से ले जाएगा, तो एनी ट्रेड किसी काम के लिए, किसी तजारत के लिए और बिजनेस या कारोबार के लिए, ठीक है? तो अगले दिन दरवाजे के बाहर एक इकरारनामा जिस्मा कर दिया गया कि जो कोई भी Oliver Twist को किसी काम के लिए, किसी कारोबार के लिए बतौर एक शागिर्द ले जाएगा तो उसको 5 पाउंड का इनाम होगा वो दिया जाएगा My dear student, we have finished our today's lectures. In this lecture, I would like to request all of my dear students, please, you must respect your parents. The boys who have no parents, their life is very difficult. They will have to lead, their life is very difficult and they will have to face a lot of hardship and difficulties in their life. So, Oliver Twist was a boy whose parents were lost when he was very young and he had to face a lot of hardship. This is only because he has no parents. So you are lucky enough because you have parents. So you must respect your parents. You must obey each and everything whenever they demand. Because you are the lucky enough having your parents. They always fulfill your demand, your request, whenever you say. They always fulfill your request and demand. So you must respect your parents and I hope you will do it. My dear student, in the end, I am giving you today's CW. This is your translation paragraph 1956. You will have to do learn today's CW. Okay, my dear student, if you have any sort of, any kind of problem regarding this, the lecture you will contact me one thing my dear student one thing this winning which I discuss you I will have to sending this book exercises on your WhatsApp number inshallah as much as possible inshallah I will send you okay my dear Allah Hafiz